विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वेणा पुस्तक धारिणी ममदा जन्तकार पहाम हस्ते स्फाटिक मालिकम विगतति पद्मासने संस्थिता वंदे तं परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां येन सर्वसमानाय मदिगम्या महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः शांति शांति। हलंत बुलिंग में युष्मत् शब्द अस्मत् शब्द याद है सबको? हैं हाँ, युष्मत् बोलिए एक स्वर में। युष्मत् बोलिए अस्मत् बोलिए माम आवाम अस्मान मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकम् मयि आवयो अस्मासु। ठीक है। अब जो है सुपात चलेगा। सुपात हाँ, शुक्ला जी है क्या लाइन में? नहीं है लाइन में? नहीं है। अच्छा भाई, तो सुपात शब्द है क्या? शब्द है सुपात शब्द है। सुपाद है दकारांत। तो देखो शोभनौ पादौ यस्य शोभनौ पादौ यस्य सह सुपाद, ऐसा बनेगा। ये बहुवरी समास हुआ है ना? हाँ, जिसके पाद सुंदर है। जिसके पाद क्या है? सुंदर है, उसको क्या बोलेंगे? सुपाद। द में अकार का लोप हो गया है समास में। संख्यासु पूर्वस्य सूत्र से द में अकार का लोप हो जाता है, समझ में है ना? तो द में अकार चला गया तो क्या रहेगा? सुपाद है। इसकी प्रारंभिक संज्ञा हो जाएगी कृत अधित समासाश्च। समास मान करके इसकी क्या होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो क्या शब्द है? सुपाद। अंत में कौन सा वर्ण है? दकार। दकारांत शब्द हो गया जी। तो प्रथमा का एक वचन आ गया सु। सुपाद प्लस सु का सकार है ना जी। तो सु के सकार का लोप हो गया है? हाँ, हल गया भी सूत्र से। तो क्या बन जाएगा? सुपाद। अत भी हो जाएगा, दकार को तकार भी हो जाएगा। किससे? हाँ, बावसान से। जब चर आदेश करोगे तो क्या बन जाएगा? सुपाद। सुपाद हो जाएगा, सुपाद सुपाद। ठीक है। अच्छा, दो रूप हो गया, तकार दकार हो गया। अब ओ में कुछ होगा नहीं, जोड़ दो सुपाद। और जस में
सुपाद में सुपादम सुपादम आउट में सुपादौ। अब आ गया सस। अब क्या आया सस का अस है ना, तो सुपाद आगे क्या है सुपाद अस अस ठीक है जी। तो ये देखो भ संज्ञा है सुपाद की है, यचि भाम से सुपाद की भ संज्ञा होगी। ऐसा आने पर एक सूत्र आ रहा है देख लो, पादह पत पादह पत पादह पत पादह पत। देखो दो पद है सूत्र में, पादह पाद का पादह षष्ठी के वचन और दूसरा क्या हो गया पत, दूसरा हो गया पत प्रथमा का एक वचन। अच्छा अंग का अधिकार है, भ का भी अधिकार है, भ का भी अधिकार है ठीक है नारायण, इतनी बात है और कुछ नहीं है। तो क्या होगा ये जो पाद शब्द है ना जी, ये विशेषण हो जाएगा अंग का। ये क्या होगा अंग कैसा हो, जिस के अंत में पाद हो, मतलब पाद शब्द हो, क्या शब्द हो, जिसके अंत में पाद शब्द हो ऐसा अंग होना चाहिए, समझ में ना जी। अच्छा और जो है अंग क्या होना चाहिए, भ संज्ञक होना चाहिए, क्या होना चाहिए भस्य का अधिकार है, तो उसको क्या करेगा पत आदेश करेगा, क्या करेगा पत आदेश करेगा, क्या करेगा पत आदेश। जैसे है ना सुपात प्लस क्या है सुपात प्लस अस, अस तो सुपात को गोल कर दो राउंड, ऐसे राउंड राउंड करे क्या लिखना है भ संज्ञा है जी। तो भ संज्ञा किसकी सुपात की, भ संज्ञा हो गई है ना जी। तो अब क्या होगा आदेश बोल रहा है पत, क्या पत बोल रहा है, पत बोल रहा है हाँ, लेकिन पूरे को होना चाहिए, क्या पूरे को होना चाहिए सुपात अंग को होना चाहिए, बोलते नहीं सुपात पूरे को नहीं होगा, पूरे को हाँ ये पत बोलेगा मैं पूरे को क्यों लगूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो पाद ही उच्चारण किया है ना क्या सूत्र में जितना कहा गया उतने स्थान पर तो मैं लगूंगा ना जी। अधिक स्थान पर मैं नहीं लग सकता ठीक है। नियम है निर्देश मानस्य आदेशा भवन्ति, क्या है निर्देश मानस्य आदेशा भवन्ति मालूम है आप लोगों को, एक परिभाषा गई पीछे कहां पर गई शुद्धि पाशे में गई, कहां पर गई निर्जरा शब्द में गई, क्या निर्जरा शब्द में गई जरस आदेश होता है ना, क्या आदेश होता है जरस आदेश होता है, और पूरे को नहीं होता है, निर्जरा के जरा कोई होगा पूरे को आदेश नहीं होता है ना, क्या परिभाषा है निर्देश मानस्य आदेशा भवन्ति, समझ में है ना, ऐसा बोलते हैं ना सूत्र, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ये सूत्र नहीं, नहीं तो निर्देश मानस्य क्या बोलते हैं सूत्र में जिसके स्थान पर आदेश हुआ है, क्या है सूत्र में जिसके स्थान पर आदेश हुआ है उसको ही जरस होगा, सबको जरस आदेश नहीं होता है। सूत्र में क्या था जरा था है कि नहीं, समझ में ना जराया जरस अन्य तरस्याम था कि नहीं, तो जरा को ही जरस होता है पूरे को आदेश नहीं होता ठीक। इसी प्रकार से ये सूत्र बोलता है पाद पद, निर्देश मान कौन हो गया पाद, पाद के स्थान पर ही पत होगा, पूरे के स्थान पर पत नहीं होगा। आप सूत्र का वृत्ति हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद देखेंगे। पाद शब्दांतम यद अंगम भम तद अवयवस्य पाद शब्दस्य पद आदेशः पढ़ो पाद शब्दांतम यद अंगम भम तद अवयवस्य
सूत्र का अर्थ लिख लो, पाद शब्द जिसके अंत में हो, पाद हाँ दकार अंत लिख लो, पाद शब्द जिसके अंत में हो, जिसके अंत में हो हाँ, ऐसा भसंज्ञक अंग, ऐसा ऐसा भसंज्ञक अंग के पाद शब्द को, पाद शब्द को पद आदेश हो, अंग के पाद शब्द को, पाद शब्द को पद आदेश हो, पद आदेश क्या आदेश हो, पद आदेश ठीक है ना। जैसे लिखो, हाँ जैसे सुपात प्लस क्या है, सस्ता अस हाँ है ना, भसंज्ञक है सुपाद, भसंज्ञक अंग सुपाद है, हो गया जी। तो इसका जो पाद शब्द है, सुपाद में पाद शब्द है उसको पद आदेश, हाँ इसलिए क्या होगा, हाँ आगे लिखो, इसलिए सुपात के पद को होगा, सुपात के, सुपात के पद को, पद को ये पाद को, सुपात के पाद को पद आदेश हो, सुपात के पाद को पद आदेश, हाँ पूरे को नहीं होता है, लिखो आगे, पूरे अंग को, पूरे अंग को, पूरे अंग को आदेश नहीं होता है, आदेश न हो हाँ, क्योंकि क्योंकि सूत्र में निर्देश्यमान, निर्देश्यमान पाद शब्द है, निर्देश्यमान पाद शब्द है ना, हाँ इसलिए पाद को ही होगा, इसलिए पाद को ही होगा, पाद शब्द है इसलिए पाद को ही, हाँ सुपात को नहीं होगा, पूरे सुपात को नहीं होगा, है कि नहीं। सूत्र में निर्देश्यमान मतलब, निर्देश्यमान मतलब उच्चरित, जिसका उच्चारण किया है, किस स्थानी का उच्चारण किया है, पात का है कि सुपात का है, पात का है, सुपात को होगा नहीं होगा, ये सुपात का हो जाएगा तो सुपात चला जाएगा बेचारा, फिर पद ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसलिए क्या होगा बोलो, सुपाद में पाद चला जाएगा, पद बैठ जाएगा, पाद चला गया कौन बैठ गया, पद पद द द, लेकिन सूत्र में तो है पथ है, वो चौर आदेश करके पथ कह रहा है, लेकिन आदेश तो द ही होगा, क्या सुन रहे हो, क्या आदेश पद है पथ नहीं है, नहीं तो भी तो बोला है, आइए बोल रहे हैं पथ, भांग तो नहीं खाए हैं, जैसे बोल देगा तो फिर हैं, काशी वाले खूब भांग खाते हैं, सब लोग नहीं, तो चलो तो क्या हो जाएगा, अंग सुपद, सुपद प्लस आगे सुपद अस, तो क्या होगा, सुपद क्या हो जाएगा, सुपद। अच्छा देखो ये जो लोग ये वृत्ति है ना, पांच शब्दांतम छ कहाँ से आया, सस चूटी से स को छ हो गया, अरे च कहाँ से आया, पाँच लिखा है च, कैसे हुआ च, चकर कहाँ से आया, विच्छेद क्या करोगे, पाद प्लस शब्दांतम, पाद प्लस शब्दांतम, पाद है द आगे शब्दांतम है, स को क्या हो गया छ, लेकिन च कहाँ से आ गया बताओ बुद्धि लगो, पात प्लस सकार क्या है, पात प्लस सकार, पहले दकार को क्या करेंगे, जस करने पर जकार हो जाएगा, क्या झलाम जसवंत से, क्या हाँ झलाम जसवंत से क्या होगा बोलो, जस जस हो जाएगा, जस होने पर क्या होगा, दकार हो जाएगा, नहीं होगा ये दकार बोल दिया, जकार ज ज ज हो जाएगा, ज हो जाएगा है,
दकार को जकार हो गया, पिस्तोस चुनासू से चकार हो जाएगा, इले चकार हो गया नहीं। हाँ चलो, इले क्या हो गया बोलो, सस में सुपद, तो अंग तो बैठा दो सीधा सीधा, सुपद हो गया, सुपद आगे आजादी जोड़ो, हाँ सुपद टा में गे में सुपदे, फिर आगे सुपद 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 हो सुपदाम सुपदी सुपद हो गया। अच्छा अब जब भ्याम आएगा, तृतीय बहुवचन जब आएगा है ना, भव संज्ञा है क्या? नहीं है। सुपाद की भव संज्ञा नहीं है, तो नहीं होगा तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, सुपाद व्याम हो जाएगा, सुपद व्याम नहीं होगा। पद संज्ञा होगी ना, भव संज्ञा नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, जोड़ देना है। सुपाद व्याम सुपाद भी सुपाद भ्याम सुपाद भ्य सुपाद व्याम सुपाद भ्य, सुप में क्या होगा? त हो जाएगा, खरीच सुपात सु, हे सुपात हे सुपाद, तो सुपात का अर्थ क्या है? शोभन सुंदर पाद वाला, शोभनम सुंदर पाद वाला व्यक्ति को कहेंगे सुपात कहेंगे, ठीक है। अच्छा भाई ये एक एक शब्द हो गया। आज कॉल जो था ना, ये शुक्ला जी पूछ रहे थे ना, ये श्लोक में जो दो शब्द आया ना, दत्तात और क्या था वो, दद्यात था ना जी। हाँ ये जो लकार अलग अलग है, ये क्या है? ये एक ही लकार का नहीं है, ये धातु एक ही है। मैं कल धातु दो बोल रहा था लेकिन गलती है, एक ही धातु है। धातु क्या है? एक ही है। डूदाए दाने, क्या धातु है ये? डूदाए दाने से बनता है, लिंग लकार में बनेगा दद्यात। लिंग लकार में क्या बनेगा? दद्यात बनेगा, सुन रहे हो ना? क्या बनेगा? लिंग लकार में दद्यात बनेगा जी। और ऊपर जो दत्तात दिया है वो लोट लकार का है। जैसे जैसे भू धातु का क्या बनता है? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दो बनता है ना, भवतु भवतात। अच्छा भवतु भवतात भवन, हाँ जी जी, समझ में आ गया ना? इस पर क्या बनेगा? ददातु दत्तात, भवतात बनता है ना, हाँ इस पर क्या बनेगा? दत्तात है ना। ये प्रार्थना अर्थ में, किस अर्थ में? ये प्रार्थना, दोनों प्रार्थना अर्थ में, लोट लकार प्रार्थना अर्थ में और यहाँ पर भी क्या है? प्रार्थना अर्थ में, समझ में आया? दत्तात कहाँ का है? लोट लकार, लोट लकार। और दद्यात कहाँ का है? लिंग लकार का है, बिजलिंग लकार का है, समझ में आया? धातु क्या है? डूदाए दाने, जो त्यारी गण में आता है, ठीक है। तो दादा हो जाता है ना, द्वित्व होने पर दादा हो जाएगा, दा के आ को हर्ष हो जाएगा, फिर दा आगे आ का भी लोप हो जाता है, ये सब प्रक्रिया है, ठीक है। चलो आगे है, आगे है भाई अग्नि मत, क्या है? हाँ जैसे अग्नि का मंथन करना पड़ता है ना, अनुराग देखे हो कभी अग्नि का मंथन, अरणि मंथन होता है, बहुत ताकत लगती है, हाँ वही है। तो मंथा बिलोडने क्या होता है? मंथा बिलोडने होता है, मंथा ऐसे ऐसे घुमाते कि नहीं, हाँ है ना, ऑली मंथन होता है। तो क्या होगा देखो, अग्निम मथनाति, क्या होगा? अग्निम मथनाति इति अग्निमत, ये हो जाएगा, अग्निमत हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ अग्नि का मंथन करने वाला, अरणि मंथन करने वाला, हाँ ठीक है, मतलब अग्नि को प्रज्वलित करता है, ये अर्थ है, ठीक है। हाँ मंथन रूपी क्रिया से अग्नि को प्रज्वलन करेगा। तो अग्नि है, आगे मंथ है, क्या है? मंथ मंथ, सुन रहे हो ना जी? क्या है? मंथ होता है, थकारांत मंथ, थकारांत मंथ होता है। तो
क्या होगा अग्नि मंत्र, क्या है अग्नि मंत्र, हाँ है ना। तो अग्नि मंत्र से जो है कुइप प्रत्यय कर लो, क्या है कुइप प्रत्यय, कुइप प्रत्यय बोल लो, कुइप का सर्वापार लोप हो जाता है, क्या होता है सर्वापार लोप हो जाता है, सर्वापार लोप हो जाएगा तो कितना रहा अग्नि मंत्र, लिखो, लिखा अग्नि मंत्र, हाँ ना भी है बीच में जी है मंत्र लिखा, क्या लिखा अग्नि मंत्र, हाँ ये हो गया शब्द है ना। आगे कोई प्रत्यय था क्या, आगे कोई प्रत्यय कोई प्रत्यय था ना, ये जो अग्नि मंत्र में जो नकार है ना उसका लोप करेगा, क्या करेगा उसका लोप करेगा, लोप करेगा। ये सूत्र आ रहा, देखो ये सूत्रों को पहले देना चाहिए था, अनिताम हल उपधया कंगति, अनिताम हल उपधया कंगति, फिर पढ़िए अनिताम हल उपधया कंगति। तो ये बोलते हैं धातु मन था ना, मंत धातु क्या था, मन था है ना। अच्छा पहले सूत्र को समझ लिया, अनिताम हाँ, तो ये जो है ना षष्ठी का बहुवचन लिख रहे हो, षष्ठी का बहुवचन, अनिदित का षष्ठी का एक वचन बनेगा अनिदिताम, मरुत का मरुताम है ना, और आगे हल षष्ठी का एक वचन, हल का हल, उपधया रमा का क्या बनता षष्ठी वचन रमाया है ना, और उपधा का उपधया हो गया ना, और आगे कंगति सप्तमी का एक वचन, ठीक है। ये देखो समझाते हैं, अनिदिता मतलब जानते हो, पहले ईदित शब्द बनाओ, ईदित है ना, ईत ईत यस्य येषाम, देखो दो ईत लिखो, ईत 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 दो लिखा है, पहला जो ईत है ना इसका अर्थ है हर्षोइकार, क्या है हर्षोइकार, और पहला जो ईत है वो हर्षोइकार होगा है, और दूसरा जो ईत है वो ईत संज्ञा है, अच्छा वो क्या है ईत संज्ञा करो, ठीक है जी। तो पहला जो तकार है ना, तकार को दकार करो, ईत ईत है कि नहीं जी। तो पहला तकार क्या करो दकार करो है ना, तो इसका ईत का अर्थ क्या है, पहला ईत का हर्षोइकार, हर्षोई वाला इकार, और दूसरा ईत शब्द का अर्थ क्या है ईत संज्ञा नाम है, तो क्या होगा बहुरी समाज करो है, बोले ईत ईत यस्य बोलो हर्षोइकार जिसमें ईत हो, हर्षोइकार जिसमें क्या हो ईत हो है ना भाई, उसको क्या बोलेंगे इदित कहेंगे, क्या कहेंगे इदित कहेंगे, आ जिसमें हर्षोइकार ईत ना हो अनिदित कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा अनिदित कहा जाएगा, समझ में आया, ऐसा होता है, ये बात कह रहे। और हला हलंत अंग भी हो, क्या हो हलंत अंग हो अनिदित, बोले ईत इकार ईत वाला ना हो, और हलंत हो क्या अंग हो हलंत हो, उसकी उपधा को उसकी उपधा, और कौन उपधा नकार का अनुवर्तन आएगा, नकार उपधा में नकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए उपधा में नकार, नकार होना चाहिए है ना भाई, स्नाना लोप से लोप की भी अनुवर्ति है, नौका लोप हो जाएगा, और पर में क्या प्रत्यय है किंगिति कित गीत हो, देखो क्या लिखते हलंतानाम, बोलो हलंतानाम अनिदिताम अंगानाम, अनिदिताम अंगानाम उपधाया नस्य, उपधाया नस्य लोपः, लोपः किति 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 हो गया जी। अर्थ क्या हुआ लिख लो, हलंत हलंत अनिदित अंग की, हलंत अनिदित अंग की, अनिदित अंग की उपधा नकार का, उपधा उपधा नकार का
लोप हो, लोप हो। कित गित प्रत्यय परे रहते, कित गित प्रत्यय परे रहते, गीत गीत प्रत्यय परे रहते। हाँ, घबराओ ना, व्याकरण में घबराना नहीं चाहिए जी। है ना? तो देखो अंग क्या होना चाहिए, हलंत। अंग क्या होना चाहिए, हलंत होना चाहिए, मतलब जिसके अंत में हल हो। है जी। और क्या नहीं होना चाहिए, इदित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मतलब जहां पर इकार की इत संज्ञा ना हो। बराबर है। जैसे जैसे क्या हो गया, मंथ है, जैसे लिखो मंथ, हाँ केवल मंथ लिख लो, मतलब अग्नि मंथ का मंथ, मंथ है, ठीक है, मंथ मंथ है, जो अंग है ना, पूरा अंग है अग्नि मंथ ये, तो ठीक है। तो यहाँ पर हलंत कौन है, हलंत थकार है, थकार तो हल है, हलंत कहने से मंथ को ले लो। हाँ ठीक है। और अनिदित भी है, इकार की संज्ञा तो है ही नहीं, है कि नहीं भैया? अच्छा, इसलिए उपधाक में कौन है, नकार है कि नहीं, मंत में नकार है कि नहीं है, उसका क्या होगा, लोप हो जाएगा। पर में क्या प्रत्यय है, कित गीत, क्विप था ना पर में, कित है कि नहीं, क्विप में ककार की संज्ञा होती, तो लोप हो गया। उपधा कौन है, नकार है, उपधा कौन है, नकार है, ठीक है। नकार का लोप कर देंगे तो अंग क्या रहेगा, अग्निमत, थकारांत, इतना मथा पची है ना, इसलिए इसलिए क्या कह रहे हो, बोलो जल्द, थकारांत है, थकारांत है, थकारांत है, थकारांत है, तब तो घटेगा। ये इतना मथापच्ची है इसलिए इस सूत्र को पहले नहीं दिखाया, लघु पढ़ रहे हैं ना, तो लघु तो लघु होना चाहिए ना कि बड़ा होना चाहिए, लघु तो लघु होना चाहिए ना कि बड़ा, नहीं, हाँ लघु होना चाहिए, बड़ा व्याख्यान करोगे तो फिर कोई पढ़ेगा नहीं है, तो फिर जो है नई नई रक्षति डुकरिया करना बोलेंगे। इतना छोटा आने पर भी जब बोल रहा है तो बड़ा होता तो और ज्यादा बोलते, ठीक है। इसलिए नकार का लोप करके ही जो बन गया शब्द अग्निमत, उसको ऊपर दिखा दिया, ठीक है। तो ये शब्द की प्रक्रिया होगी, हम किसका रूप चलाएंगे, अग्निमत, हाँ बोलिए बोलिए जी, कितनी कितनी कहाँ से आया, वो क्विप था ना पर में, पर में क्विप प्रत्यय था कि नहीं, हाँ वो क्विप प्रत्यय था, वहाँ क्विप जो है ना ककार की संज्ञा है, तो कित हो गया, ठीक है। तो हम रूप किसका चलाएंगे, अग्निमत का चलाएंगे, तो अग्निमत प्लस क्या आया, सु, अग्निमत प्लस सु आ गया, तो सु का क्या हो गया, सकार का लोप, थकार को क्या होगा, जस, झलाम जसवंत से थकार को जस करने पर क्या होगा, द हो जाएगा, दकार हो होगा, क्यों होगा, थकार उसी वर्ग का, उसी मतलब कौन सा, तक नहीं, द वर्ग का, अरे थकार को दकार क्यों होगा, थकार का स्थान दंत है, इसलिए दकार का स्थान भी दंत है, इसलिए दकार बैठ जाएगा, तो अग्निमद हो गया, द बैठ गया, दकार बैठ गया है, और बावसाना से चर को होगा तकार भी हो जाएगा विकल्प से, ठीक है। हाँ देखो लिख दिया दो रूप, अग्निमत, अग्निमत हो गया, ऐसा है टिप्पणी में दे दिया, जो सम्यादि मंथन अग्निम अग्निम उत्पादयति सो अग्निम, टिप्पणी में दे दिया है ना, हाँ जैसे सम्यादि लकड़ी होती है ना, उसका मंथन करता है, मंथन करने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, तो अग्नि प्रज्वलित करने वाले को कहा जाएगा अग्निमत, है ना भाई, गीता प्रेस की टिप्पणी में दिया है। तो आगे क्या औ है, अब तो सरल है, जोड़ते जाओ और क्या, बोलो रूप, अग्निमथौ अग्निमथः अग्निमथम अग्निमथौ अग्निमथः अग्निमथा द होगा द, अग्निमदभ्याम
अग्निमद भी अग्निमथे अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्यः अग्निमथः अग्निमद्भ्याम अग्निमद्भ्यः अग्निमथः अग्निमथो अग्निमथा अग्निमथे अग्निमथो अग्निमत्सु। क्या तो है कि दो है? क्या है? तकार करी चो हे अग्निमत हे अग्निमथो हे अग्निमथः हो गया जी। जी अब देखो अब एक शब्द आ रहा है प्रांच आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रांच प्रांच चकारांत प्रांच होता है। देखो कैसे होता है समझ लो तभी बात बनेगी। प्र उपसर्ग है प्र उपसर्ग है हाँ बोलो हाँ बोलिए हाँ 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 ऐसा है ना वही बता रहा हूँ। मूल शब्द है अग्निमत। मूल शब्द क्या है? थकारांत है। क्या है? रूप चलाना है थकारांत का ही चलाना है। किसका रूप चलाना है? हाँ है ना। लेकिन प्रथमा एक वचन जब होता है वो जो थकार है उसको दकार भी होता है और तकार भी होता है। आप समझ में आएगी नहीं है ना। कहाँ पर? सुख में। प्रथमा एक वचन सु में जस करने पर दकार हो जाएगा। किसको? थकार को। और वो जो दकार बैठ गया उस दकार को विकल्प से चर आदेश होता है। क्या होता है? तो तकार हो जाएगा। इसलिए दो रूप होता है प्रथमा एक वचन में है कि नहीं। और आजादी में आगे कुछ होगा नहीं, नहीं। रूप किसका चलेगा आगे? थकारांत का ही चलेगा। मूल शब्द थकारांत होता है। तकार दकार नहीं मूल शब्द ठीक है। और जब भ्यामादि जब आएगा तो वहां पर केवल थकार को दकार ही होता है तो अवसान नहीं है ना। इसलिए अग्नि मद भ्याम ऐसे होता है तो रूप किसका चलेगा? लेकिन हाँ थकारांत का ही चलेगा तकार नहीं ठीक है। हाँ ये शुक्ला जी आगे देखो। अब देखो भाई प्र उपसर्ग क्या है? धातु होता है अंचु धातु होता है। क्या होता है? अंचु 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 का अंच रहेगा। क्या रहेगा? अंचु का अंच रहता है चकारांत है। घबराओ ना इसके दो अर्थ है एक गति दूसरा है पूजन पूजा करना ठीक है। अब पूजा करना अर्थ में आ रहा है किस अर्थ में? पूजा नहीं पूजा नहीं गति गति पहले गति आ रहा है उसके बाद पूजा आएगा। अब लिखो गति अर्थ में किस अर्थ में? गति अर्थ अंचु धातु गति अर्थ में आ रहा है ना। पूजा अर्थ में आगे आएगा पूजा अर्थ में आगे अभी किस अर्थ में? गति है ना। तो अंचु का जो अंच रहेगा वो किसको बोध कराएगा? गति को है जाना गमन करना। अब प्र कह दिया करने से क्या होगा? प्रकर्षण। क्या होगा? प्रकर्षण अंचति ये अर्थ होगा। देखो हाँ प्रकर्षण अंचति गच्छति ये अर्थ निकालना है ठीक है। इस अर्थ में प्रकर्ष से जाने वाला इस अर्थ में हाँ क्वीन प्रत्यय हुआ। लिखो क्वीन क्वीन कौन सा प्रत्यय हुआ? क्वीन प्रत्यय हुआ। किस सूत्र से होता मालूम है? क्वीन प्रत्यय से को बोल रहा है हाँ वही बोलो सूत्र ऋत्विक दरद्रिक श्रद्धिक उष्णिक अंचु योजी क्रंचाम च इसे क्या होता है? क्वीन प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में। समझ में आएगी नहीं। अब क्वीन प्रत्यय हुआ ना पर में क्या प्रत्यय हुआ? क्वीन प्रत्यय में क्या होता मालूम है? नकार की संज्ञा हुई इकार उच्चारण के लिए है सुन रहे कि नहीं क्या इकार हाँ और ककार की संज्ञा लसोकत ही से और वकार
वो भी चला जाता है, वैरा प्रत्यय से पूरा लोप हो जाता है। पूरा लोप होने पर भी अर्थ को तो बोध करा देगा, किस अर्थ को? कर्ता, करने वाला, जाने वाला, इसको बोध कराएगा। सुन रहे हैं ना? तो प्र है, आगे क्या है? अंचु का अंश है, क्या है? लिख दिया आपने, लिखो प्र, आगे क्या है? अंश। ओ यकार, आगे क्या है? चकार। समझ में आया? अच्छा, ये जो है देखो नारायण है, तो ये जो यकार है ना, क्या है? यकार है। यकार, यकार से पहले नकार था, क्या था? यकार से पहले नकार था। नकार था, क्या था? नकार था। सुन रहे ना? है ना? तो वो नकार को मान करके सूत्र आ रहा, देखो है ना? जी। हाँ, कि कितना रहा? प्र, लिखो आगे, प्र, आगे क्या लिखना है? अकार, प्र, अकार, आगे बोलो। हाँ, नकार लिखो। अच्छा। नकार, आगे क्या है? चकार। नकार, चकार। हाँ, ऐसा है। ऐसा होने पर सूत्र आता है, ऐसा होने पर सूत्र आ रहा है। सुन रहे हैं ना? अच्छा, नकार को यकार कैसे हो गया था? स्तोश्चुनाश्यो, नकार को यकार हो जाएगा ना, क्या? आगे चौबरों का योग है, तो नकार को क्या आदेश हुआ है? यकार। तो मूल में क्या था? नकार था कि नहीं? उस यकार को नकार मान करके, नहीं तो माथा घूमेगा, ये तो यकार है और यहाँ पर जो है वो लोप कैसे होगा। यकार को नकार मान करके ये सूत्र आ रहा है, लिख दो यहाँ पर, है ना? अंश में जो यकार है ना, अकार को, यकार को, यकार को नकार मान करके सूत्र आ रहा है, ठीक है? आ रहा है। तो ये सूत्र तो बता दिया आप लोगों को, अनिजिता भला उपदया कंगति, सूत्र बता देना अभी। ये सूत्र इकट्ठाओ, हलंतानाम अनिजिताम अंगानाम उपधाया है। हलंत है भाई अंग, प्र अंश, ये पूरा अंग है, अंग है ना? इसमें कोई इकार की संज्ञा है क्या? नहीं है। तो अनिदित है, अनिदित, अरे भाई अनिदित है क्या? नहीं समझ में। इदित मतलब क्या है? यहाँ पर संज्ञा हुई है, यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं, ये अनिदित है। अनिदित है, है। पर में कौन सा प्रत्यय चाहिए? कीत हो अथवा कीत हो? कीत है कि गीत है? यहाँ पे कीत है, क्वीन था ना, क्वीन में ककार की संज्ञा थी, थी लेकिन मिल गया, मिल गया। उपधा में कौन सा होना चाहिए? नकार, नकार है, क्योंकि चकार के पूर्व में कौन सा बनना है? नकार है, तो नकार का क्या होगा? लोप हो जाएगा, ये सूत्र बोलता है लोप हो, आया समझ में? हाँ, तो ऐसा होने के बाद, ऐसा होने के बाद, होने के बाद कितना रहेगा बोलो अभी? प्र, आगे प्र, अ, च, प्र, अ, च, कितना होगा? अकर्षण दीर्घ कर लो, प्राच, क्या होगा? प्राच, हो गया प्राच, ऐसा हुआ, ठीक है? अच्छा, प्राच प्लस सु करो अभी, अंग कितना है? लिखो, अंग बराबर प्राच, अंग बराबर कौन? प्राच, हाँ, अब प्राच का ही रूप चलेगा, किसका रूप चलेगा? प्राच का रूप चलेगा। प्राच का अर्थ क्या है? प्रकर्षण, अच्छी तरह से जाने वाला, अच्छे तरह से जाओ बोलते कि नहीं? जी। क्या? अच्छी तरह से जाओ। हाँ जी, कायदे से जाओ कहीं कहीं बोलते हैं, क्या कहाँ पर कहते हैं? बिहार में कहते हैं कायदे से करो बोलते हैं, कायदे से चलो, चलो। हाँ। मतलब बढ़िया से चलो है ना? अब आ गया सु, अब आ गया सु, सु का सकार है ना, सु का सकार। अच्छा, ये सु का जो सकार है ना, ये सर्वनाम तान है, है, है? पीछे एक सूत्र गया था, क्या मालूम है? उगिदे चाम चा धातु, उगिदे चाम सर्वनाम स्थाने धातु,
उगते चम सर्वनाम स्थान है धातु हो, ये बोलता है उगित बोलता है, क्या बोलता है उगित, उगित अंचु में उकार के संज्ञा थी, ठीक है नहीं, धातु क्या है अंचु, अंचु में उकार के तो उगित हो गया जी, क्या हो गया। हाँ अब लिखो ये जो है प्र प्लस जो प्राच लिख दो, प्राच उगित है, प्राच उगित है क्योंकि अंचु में उकार की इत संज्ञा थी, अंचु में उकार की, अंचु में उकार की इत संज्ञा थी, इसलिए क्या कहेंगे इसको उगित, क्या कहेंगे उगित। ये प्राच को उगित कहेंगे जी, कहेंगे पर्वण सर्वनाम स्थान है इसलिए क्या करेगा नुम आगम करेगा, क्या आगम करेगा नुम आगम करेगा। हाँ देखो यहाँ पर लिखा है क्या पुस्तक में, हाँ हाँ लिख दिया नुम, क्या लिखा है नुम आगम कर देंगे, ठीक है। हाँ तो क्या होगा प्राच को नुम आगम करने पर चकार से पहले फिर एक नकार आ जाएगा, लिखो प्रा नकार चकार, ठीक है। ये कहाँ पर लगेगा मालूम है, केवल सर्वनाम स्थान में लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। कितने में, पांच में लगेगा, पांच लगेगा। और कहीं लगेगा नहीं, नहीं लगेगा। नहीं तो कोई बोले नकार तो पहले से था, क्यों नकार ला रहे हो, अरे सब जगह में थोड़ी ला रहे हैं हम, पांचों में ही लाएंगे, बाकी में नहीं लाएंगे, है ना। लिखा आपने प्रा नकार, आगे क्या होगा चकार, आगे सकार, कितना हुआ प्रा नकार चकार आगे सकार, तो सकार का लोप हो गया। हलज्ञाव्य से लिखो, हलज्ञाव्य सूत्र से सकार का लोप, ठीक है नारायण। हाँ अब चकार का भी लोप हो जाएगा, किसका चकार का भी लोप, किससे संयोगांतस्य लोप, देखो पुस्तक में दिया है ना, संयोगांतस्य लोप हसे, किसका लोप होगा चकार, कितना रहा प्राण नकार रहा है, नकार को देखो नस्य कुत्वेन गः, बोलो नस्य कुत्वेन गः, नकार को क वर्ग आदेश करो, अच्छा किससे करोगे क्विन प्रत्यय, हाँ क्विन प्रत्यय हुआ ना, क्विन प्रत्यय हुआ है, क्विन प्रत्यय से नकार को कु आदेश, क वर्ग का आदेश होगा, क वर्ग में कितने वर्ण आते पांच, कौन बैठेगा गकार बैठेगा, नकार का स्थान नासिका है, गकार का स्थान भी नासिका है, कैसे पता लगेगा, अपने को पता लगेगा कैसे लगेगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ग का उच्चारण करो नाक में नहीं हो रहा है वो तो बिना पढ़े समझ में आ रहा है, प्रांग हो गया, ठीक है, ठीक है नारायण। प्रथम आयोजन प्रांग है ना, अब आगे क्या है ओ आ गया, प्राच प्लस ओ लिखो फटाफट, प्राच प्लस ओ, अंग तो प्राच है ना, फिर यहाँ पर भी नकार का है नुम आगम हुआ है, तो प्रा नकार चकार आगे ओ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा नकार को यकार हो जाएगा, क्यों भाई हो जाएगा, किससे स्तोश्चो नाश्चो, नकार को यकार होने पर क्या बन जाएगा प्रांचो, ठीक है, और जस में प्रांच हो जाएगा ना, हाँ अम में प्रांचम, आउट में प्रांचो, पांच बोलो फिर वहां पर हुआ ना, पांच बोलो प्रांग प्रांचो प्रांच प्रांचम प्रांचो, इतना हुआ पांच हो गया, हाँ सर्वनाम स्थान का हो गया, आगे नहीं लगेगा नुम आगम, तो अंग क्या है प्राच, प्राच प्लस सस का अस, सस का अस, ठीक है लिखो प्राच प्लस सस का अस, देखो क्या कहते हैं अचह, बोलो अचह, लुप्त नकारस्य, बोलो अंचतेर भस्याकारस्य लोपः, भस्याकारस्य लोपः पढ़ो लुप्त नकारस्य अंचतेर भस्याकारस्य लोपः, अर्थ लिखो
सूत्र में अच का अच है षष्ठी एक वचन है, षष्ठी का एक वचन अच का अच है। अंचु धातु था ना, अंचु का जो उकार चला जाएगा कि नहीं, और यकार भी चला जाएगा, कितना रहेगा अच अच रहेगा। ये अच कहने से किसको ग्रहण कर किया जाएगा, मतलब जिस धातु का नकार का लोप हो गया हो ऐसा जो अंचु धातु मतलब अच रहेगा, जब यकार चला जाएगा तो जब अच रहेगा वहां पर लेना है, समझ में। नकार चला गया तो अच नहीं रहेगा, धातु अच रहेगा कि नहीं, उसको लीजिए है ना। सूत्र का अर्थ लिखो, जिसका नकार का लोप हुआ हो, क्या नकार का लोप हुआ हो, नकार का लोप हुआ हो, लोप हुआ हो, ऐसा भ संज्ञक, ऐसा भ संज्ञक है ना, अंचु धातु अर्थात अच, अर्थात अच अच उसके अकार का लोप हो, उसके अकार का लोप हो, अंचु धातु अच के अकार का लोप हो, उसके अकार का लोप, समझाएंगे घबराना। जैसे लिखो, जैसे जैसे प्र प्र हाँ लिख दो फटाफट, प्र अच था कि नहीं, क्या था प्राच, हाँ प्रांच प्राच ना करो, प्र अच इतना लिखो, प्र लिखो लिखो जैसे बोल रहे ऐसे लिखो, प्र अच आगे सस का अच ऐसा लिखो आप, तब पकड़ में आएगी बात को। प्राच ना करके विच्छेद कर दो, प्र अच आगे अस अस का अस, ठीक है। ये जो अच है, ये अच है किस धातु का है, अंचु धातु का है, ठीक है। नकार का लोप हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। अच जो है किसका है, ये अंचु धातु का है, और नकार का लोप हुआ है, हुआ है कि नहीं। और ये भ संज्ञक है, भ संज्ञा है ना कि नहीं। ऐसा जो अच, ऐसा जो अच कैसा अच, नकार का लोप हुआ हो और भ संज्ञक हो, ये अच का जो अकार है उसका क्या होगा, लोप। इतना मथा पची घुमा रहा है, ठीक है। इसलिए विच्छेद किए बिना पकड़ में नहीं आएगा। प्र प्र है उपसर्ग, आगे अच है, धातु है ये अंचु का, और नकार का लोप हुआ है किससे, है उससे अनिदिताम से हुआ है ना, और भ संज्ञा के भी है, अच का अकार लोप हो जाएगा, अच के अकार का लोप हो जाएगा, कितना होगा भाई बोलो, प्र चकार लिखो, हाँ लिखे बिना नहीं पकड़ में आएगा, प्र चकार आगे क्या है अस, सस का अस रहेगा, कितना रहा, प्र चकार और अस, हाँ रूप नहीं बना, आगे बनेगा, चौ सूत्र आएगा। इतना में रखता हूँ, ओम नृत्तावसने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवार उद्धार्थ कामासन कारि सिद्धा नेतर विमर्शे शिव सूत्र जा।